फिलहाल के लिए गाइस मैं आ चुका हूँ कुछ इस टाइप के एरिया पे, और आप यहाँ का नज़ारा चेक कर सकते हो कैसा नहीं है। तो यहाँ से भी मैं ऊपर जाऊँगा, मुझे तो कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर मैं इसके ऊपर जाऊँगा वहाँ तक जाऊँ। जो है लैंडस्लाइड होगी तो पूरी रोड जाम हो जाएगी, और यहाँ पर न्यू रोड बन रहा है इसलिए, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है तो इसलिए बनता है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपको मेरे एक नई वीडियो में। कैसे हो सब लोग? सब अच्छे होंगे। फिलहाल इस टाइम मैं हूँ केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम सिटी में, और वहाँ के एक छोटे से एरिया पे जो कि बितुरा, लोकेशन बितुरा है क्योंकि फर्स्ट एड एरिया है वहाँ के एरिया पर। तो फिलहाल आप लोग ने देखा पिछले वीडियो में जहाँ गया था वहाँ पर बारिश हो गई, तो मैं वहाँ फंस गया, फिर वहाँ जाने वाला हूँ जहाँ पर जहाँ का फॉरेस्ट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आपको दिखाऊँगा मैं कैसा है केरला का नेचर एरिया। तो आप लोग कुछ मेरे आसपास के एरिया कुछ इस टाइप की देख सकते हो, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा रूम और एरिया आसपास की जो एरिया है वहाँ पे मैं आपको जो एक्सप्लोर कराऊँगा, दिखाऊँगा कैसा है क्या नहीं। अब सीधा चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरे आसपास के एरिया, मेरा रूम दिखाता हूँ, फिर निकलते हैं जहाँ मुझे जाना है फॉरेस्ट एरिया पर, वहाँ के लिए निकलते हैं। सीधा आपको मिलता हूँ, दिखाता हूँ मेरा रूम कैसा है और मेरे आसपास के एरिया कैसा है। तो फिलहाल गाइस देख सकते हो मैं रह रहा हूँ कुछ इस टाइप के एरिया पर। यहाँ पर आप जो एक देख रहे हो एक घर है, जो रह रहे हैं जंगल के अंदर, पूरा घर है, दिखाई भी नहीं देता। और यहाँ पे एक पहाड़ है, मैं जो पिछले वीडियो में दिखाया था वो पहाड़ है, और बहुत सारी जितने जंगली जानवर वो सब निकलते हैं वहाँ है। और यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे लोग जो है चास भी करते हैं, रहते भी आते भी हैं, और यहाँ पे जंगली जानवर भी निकलते हैं। दिखाता हूँ मैं, यहाँ से जो है जंगली जानवर निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं यहाँ पे, आप घूमते हैं जब खाने का टाइम होता है वो लोग का, तो यहाँ आके घूमते हैं। और ये मेरी रोड की ये मेरी रूम की छत है, दिखाता हूँ। और रूम से नीचे की डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो, रूम से नीचे की डिस्टेंस कितनी है, और वहाँ पे देख सकते हो रोड से रूम की नीचे कितनी है, ऊंचाई कितनी है देख सकते हो। और यहाँ पे सारे लोग घर बना के, ये जो है ये घर है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे घर है। चलो आपको मिलता हूँ सीधा वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया पे मिलता हूँ, दिखाते हैं केरला एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे, सीधा मिलता हूँ आपको वहाँ पे। तो गाइस मैं आपको मेरी रूम का बाहर साइड का एरिया दिखा ले रहा हूँ, रूम की बाहर साइड की एरिया किस टाइप की है, और यहाँ पे एक कुआं है वो भी दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हो ये हमारी रूम की बाहर साइड की एरिया रूम है, और उस तरह की गली देख सकते हो, और यहाँ पे एक कुआं है देख सकते हो आप, कितनी कचड़ी पानी है, यही आता मोटर से। और यहाँ पर देख सकते हो ठीक है कुछ इस टाइप का, और बाहर से रूम इस टाइप का लगता है, इतना ही बड़ा है। और रूम से रास्ते से रूम का डिस्टेंस देख सकते हो कितना है। चलो ऊपर मिलता हूँ, सीधा ऊपर मिलता हूँ। और ये देख सकते हो हमारी रोड से रूम की व्यू इस टाइप की है, आसपास की एरिया कुछ इस टाइप की है देख सकते हो। ये रोड जो है मैंने त्रिवेंद्रम से आते हैं ये रोड मैंने, और ऊपर से पहाड़ जो जाते हैं उस टाइप की एरिया है। चलो बहुत लेट हो गई है जाने में, क्योंकि शाम हो जाएगी तो पहाड़ में जंगली जानवर निकलते हैं, बहुत लेट हो जाएगी। चलो चलते हैं, सीधा आपको सीधा जगह मिलता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी, जंगली जानवर भी निकलते हैं, सीधा आपको जगह में जाकर मिलता हूँ। फिलहाल के लिए गाइस मैं आ चुका हूँ कुछ इस टाइप के एरिया पे, और आप यहाँ का नज़ारा चेक कर सकते हो कैसा नहीं है, नज़ारा चेक कर सकते हो यहाँ का कैसा है। ये कितनी ऊँची ऊँची पहाड़ है, इस पर जाऊँगा मैं, रात हो गई नहीं तो शाम हो गई नहीं तो इस पर जाता मैं। और ये देख सकते हो ताकि नज़ारे रोड पर साइकिल और उधर से मैं आया। चलो चलते हैं, मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ जा नहीं पाया, लेट हो गई, फिर कभी जाऊँगा। क्यों लेट हुई नहीं हुई, किस लिए लेट हुई मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल मैं जाऊँगा अभी इसके ऊपर से मैं जाऊँगा। चलो चलता हूँ सीधा, गाड़ी आ जा रहा है, तो मैं जाऊँगा इसके ऊपर से जाके देखते हैं क्या नहीं। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से हिरन वगैरह वगैरह जाते हैं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैरों के निशान जो है हिरन की है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है। आपको दिखाता हूँ जंगल, आपको दिखाता हूँ यहाँ का जंगल कैसा है। ये देख सकते हो पूरी पूरी जंगल है, यहाँ पे पहाड़ है और मैं पहाड़ के ऊपर हूँ। डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, ऊपर चल के देखता हूँ पर कुछ मिलेगा शायद, इसलिए ऊपर चल के आपको दिखता हूँ, ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ कितना एडवेंचर है, ये देख सकते हो यहाँ के रास्ता देख सकते हो कितने एडवेंचर है। तो यहाँ से भी मैं ऊपर जाऊँगा, मुझे तो कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर मैं इसके ऊपर जाऊँगा वहाँ तक जाऊँगा, होगा कुछ तो दिखूँगा तो वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ भी रास्ता नहीं। अगर लोग आना जाना, लोगों का आना जाना होता तो यहाँ पे रास्ता भी होता। चलो मैं इस रास्ते से ऊपर उठता हूँ, देखता हूँ ऊपर जाके थोड़ा दिखता हूँ, फिर नहीं होगा तो वापस आ जाऊँगा। और यहाँ पर गड्ढे में ही मैं गिर गया, इस यहाँ से मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एडवेंचर, यहाँ से मैं ऊपर जा रहा था तो यहाँ से उड़ नहीं पाया, बहुत ही बड़ा गड्ढा है और
जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो कल जहाँ मैं गया था वहाँ पे एक रास्ता था पहाड़ को जाने के लिए, जो कि लोगों का वहाँ कारोबार है। मैं वहाँ पे चलता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ, फिर वहाँ से वापस आएंगे। अगर कुछ दिखाने करेंगे मैं देखूँगा, फिर तो वापस आए। चलो नीचे चलता हूँ, मिलता हूँ आपको सीधा वहाँ पे। फाइनली मैं आ चुका हूँ पहाड़ वाले रास्ते पे। यहाँ तो मुझे पूरी की पूरी रास्ता दिखती है और गाड़ी भी जाती है ऐसी लगती है, जो घर ऊपर जो घर जो पहाड़ के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं उन लोग की गाड़ी जा रही होगी। और आपको मैं दिखाता हूँ पहाड़ के ऊपर से नीचे के नज़ारे, और आपको मैं दिखाता हूँ पहाड़ के ऊपर से नीचे के नज़ारे कुछ इस टाइप का है। वहाँ पर रोड है, गाड़ी गाड़ी जितनी भी गाड़ी आती है उधर से उस साइड से आती है। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, ये पूरी की पूरी पहाड़ के ऊपर गई है। आगे क्या नहीं है साइड से मुझे ऐसा लग रहा है किसी की घर होगी। और यहाँ पे जो इस साइड को उस साइड दिख रहे हो, उस साइड में आया था कल वहाँ पे। और मुझे एडवेंचर करने मुझे डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। पता नहीं आगे घर होगा या क्या होगा। रास्ता तो पूरा वैसे ही है जैसे लोकल एरिया के रास्ते होते हैं वैसे ही है। और बहुत थक भी गया हूँ मैं, मेरी जो सांसें अटक रही है क्योंकि इतना वहाँ पे मैं बहुत ज़ोर से गिर गया, बहुत ही बड़ा गड्ढा था, तो उससे उठते उठते मुझे बहुत तकलीफ़। तो यहाँ से देख सकते हो मैं इतना दूर चल के आया यहाँ का रास्ता। और वो जो है पूरी पूरी घर है वहाँ पे, इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो घर है। और यहाँ रास्ता है, कहाँ ख़त्म होगी क्या होगी नहीं होगी पता नहीं, या रास्ते में क्या निकलेगा आपको दिखाता हूँ आगे चल के, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम यहाँ की जर्नी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लोग भी आते हैं, कारोबार है, गाड़ी भी आती है, क्योंकि रास्ता पूरा का पूरा वैसे ही है। बिठू क्वालिटी कैसी आ रही होगी नहीं आ रही होगी मुझे पता नहीं, इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अंधेरी पूरी पूरी अंधेरी हो गई, ऊपर आसमान में बादल छाई हुई है तो अंधेरी हो गई है। चलो आगे चलता हूँ, आगे मिलता हूँ आपको। फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ कुछ इस टाइप के एरिया पे, आप जगह देख सकते हो। पहले तो आप देख लो मैं जहाँ से आया था उस टाइप उस साइड की रास्ता आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो मैं उस साइड से आया था, वहाँ पे नीचे रोड है और यहाँ की नज़ारे देख सकते हो, कुछ शाम की व्यू देख सकते हो, कुछ इवनिंग की व्यू देख सकते हो कितना ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लोग जो है अपना कारोबार जितना भी है सब कुछ करते हैं। वो एक चीज़ या तो पास में नहीं जा पाऊँगा लेकिन यहीं से दिखाऊँगा, कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। यहाँ पे आप जो देख सकते हो हानि जो बोलते हैं महू शहद वो होती है, उसकी चार्ज करते हैं यहाँ पे, उसकी पूरी पूरी बॉक्स लगी है आप देख सकते हो, ये पूरी पूरी उसकी बॉक्स है। मतलब कि लोगों का यहाँ कारोबार सब कुछ है, आना जाना लोगों का है। जंगली जानवर से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि जंगली जानवर नहीं निकलते, निकलते हैं रोड पर। थोड़ी सामा और हो जाएगी तो रोड पर सब लोग आना जाना रोड क्रॉसिंग करेंगे। और यहाँ पे जंगली जानवर लोगों का इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ जितना पहाड़ है ये एरिया है भीतरा, और यहाँ पे पहाड़ पे पूरे पूरे लोग इधर कारोबार करते हैं, किसी कुछ चीज़ का डर नहीं। आप देख सकते हो कितना पीसफुल प्लेस है, मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ फिर वापस निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, अंधेरी भी हो गई है, निकलेंगे वापस। और ये देख सकते हो आप मेरे सामने कितनी गहराई है, शायद से उधर कोई लोग नहीं रह रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरी पूरी उधर जो है उधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है मेरी, शायद से उधर नहीं लोग होंगे, बस यहीं तक लास्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो बैरिकेड मारे हैं शायद से, उस साइड कोकोनट की ट्री देख सकते हो आप, ये जितनी जितनी है कोकोनट ट्री, उधर भी बहुत सारी कोकोनट ट्री हैं। आप लोगों ने देखा त्रिवानंतपुरम के एक छोटा सा एरिया भीटोरा, जो कि पूरा पहाड़ जंगली एरिया पे बेस्ट है, वहाँ का कुछ इस टाइप का एरिया था ऐसा। हालांकि यहाँ बहुत ही सुकून वाली एरिया ऐसा नहीं है, सुकून बहुत ही सुकून वाली एरिया है। और लोग यहाँ पे पहाड़ के बीच कोई कोई जंगल के बीच ऐसे ऐसे कारोबार है, मतलब कोई ऐसे एक सिटी नहीं है, विलेज नहीं, ऐसा नहीं है, आउटसाइड है पूरे जंगल, पहाड़ के बीच जंगल पे ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं घर बनाकर। और मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको क्या है नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लोगों का कारोबार है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि साफ सफाई है। वहाँ पर एक आंटी खड़ी है, अब वो दिखा देता हूँ, एक आंटी खड़ी यहाँ पे, यहाँ पे लोगों का कारोबार है इतना मुझे आइडिया है यहाँ पे लोगों का, क्योंकि यहाँ जगह साफ सुथरा है, लोगों का कारोबार है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगी, बारिश होने लगी है, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था यहाँ बारिश किसी टाइम भी हो सकती है, उसकी कोई टाइम टेबल नहीं है। तो शायद मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे वो आंटी थी वहाँ पे मैं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा झरना है, वहाँ पे थोड़ा सा घूम के आ जाऊँगा। और बारिश भी होने लगी है, मैं चल के आपको सीधा झरने के पास मिलता हूँ, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगी जाने में, शाम भी हो गई है और ये जंगली एरिया है, मुझे यहाँ मतलब कुछ भी कभी हो सकता है। तो मैं सीधा आपको झरने के पास जाकर मिलता हूँ, यहाँ से निकलेंगे रूम अपने रूम के लिए, सीधा आपको झरने के पास मिलता हूँ। तो शायद से मैं आप लोग देख सकते हो मैं वहाँ था, तो आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ पर था, मैं वहाँ पर था उतना दूर पर था, आपको जूम कर दिखाता हूँ, वहाँ पर था, वहाँ से मैं घूम के इतना दूर आया।
और ये जो मेरी है जाने की रास्ता, मैं जहाँ से आया था उधर से फिर मुझे यहाँ पर एक रास्ता मिल गया, शायद से यही रास्ता है, इतना मुझे आइडिया नहीं है। मैं जाऊँगा, अगर यहाँ होगा तो जाऊँगा, या तो फिर वापस निकल जाऊँगा, क्योंकि रूम जाने में देर लगेगी, बारिश भी हो रही है, शाम भी होने लगी है, तो रास्ता नहीं मिले मुझे। देख सकते हो कितने जंगल है, कितना ही खूबसूरत है। चलो चलता होगा, देखूँगा रास्ता रहेगा, चलो चलता हूँ देखूँगा, अगर रास्ता होगा तो जाऊँगा या तो वापस आ जाऊँ, क्योंकि अभी जाना पॉसिबल नहीं है। अंधेरी भी हो गई है, आपको शायद दिखाई दे रही होगी या नहीं, पता नहीं, अंधेरी हो चुकी है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। फिर मुझे रूम के लिए निकलना है, मैं अगर इस साइड से रास्ता होगी तो मैं जाऊँगा, वरना वापस निकल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से उस साइड से जाने के लिए उधर से घूमना पड़ता है, उधर जहाँ निकल गया था वहाँ से फिर यू टर्न लेके, फिर वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दूर लग जाएगी, फिर वापस चल के आने में टाइम लग जाएगी। तो मैं यहीं से ट्राई करता हूँ, अगर यहीं होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वरना वो रूम के लिए निकल जाएंगे। चलो चलता आगे चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ है या नहीं, फिर आगे मिलते हैं आपको। इसमें वहाँ तक गया था, और जो वो आंटी आपको मैं दिखाया था जो खड़ी थी, वो वहाँ पे मिली और बोली वापस चले जाओ, क्योंकि अंधेरी हो गई है, यहाँ पे जंगली जानवर निकलते हैं, वापस चले जाओ, कभी दिन में आई। वो अपनी लैंग्वेज मलयाली में बोली, मुझे तो समझ में नहीं, बस इशारे इशारे में समझ आ गई, वो बोलना ही चाहती थी अंधेरे हो गए, जंगली जानवर निकलते हैं। और मैं आ चुका हूँ कुछ इस टाइप के एरिया पे, आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कुछ इस टाइप के एरिया पे, और यहाँ पे जो एक रोड है ये जा रही है, जितने भी जंगली जानवर होगा सारे कुछ यहाँ पे निकलते हैं, ये आप जंगल देख सकते हो, यहाँ से निकलते हैं। तो अगर मुझे कल पॉसिबल होगा, कल अगर दिन नहीं तो मैं यहाँ कल इस साइड आऊँगा वीडियो बनाने, या उस साइड जाऊँगा पहाड़ के ऊपर वीडियो बनाने, झरना है आपको झरना दिखाया था वहाँ पे जाऊँगा। तो मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर निकलते हैं, ये पूरी जंगल के अंदर से जा रही है, मैं वहाँ से यू टर्न ले लूँगा। तो कल मिलते, कल अगर पॉसिबल हुआ तो, कल अगर दिन रहा तो, बारिश नहीं हुआ तो कल यहाँ पर आऊँगा वीडियो बनाने। तो अच्छा आप लोग देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, शायद से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लोग घर भी बना के हैं, मैं आपको यहाँ पे लोग घर बना के हैं, जैसा कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे लोग जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर हर जगह घर बना के, मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं सिटी के अंदर विलेज के अंदर रोड साइड पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग सब ये लोग अपना अपना प्राइवेट एरिया ऐसा है। तो गाइस अभी अंधेरी हो चुकी है, मुझे जाना ही पड़ेगा, बारिश भी हो रही है तो निकलना पड़ेगा। तो गाइस मैं सीधा जाकर रूम पर वीडियो एंड करता हूँ, सीधा मिलते हैं आपको रूम पर। तो फाइनली गई वहाँ से मैं वीडियो बनाने का, तो वापस रूम में आ गया, क्योंकि बारिश हो रही थी और अंधेरी भी हो गई थी। जब मैं गया उस झरने के साइड में, तो वो आंटी मुझे बोली अभी अंधेरा हो गया, वापस चले जाओ, कभी दिन में आना। आंटी बोली मुझे दिन में आना, क्योंकि यहाँ से जो है जंगली जानवर क्रॉस करते हैं, ये जो रोड है मेन वो लोग का पॉइंट वहीं पर है, यहाँ से वहाँ पर वो क्रॉस करते हैं, वो लोग को वही पॉइंट है, क्योंकि बाकी सब लैंडस्लाइड होता है, बाकी जगह पे बहुत ऊंचे से नीचे रोड क्रॉस नहीं कर पाते, वहाँ से वहाँ क्रॉस होते हैं। तो आंटी मुझे ये बोली, तो बोला अच्छा ठीक है, वो जो बोली अपनी लैंग्वेज में बोली, मुझे समझ आ गया ये बोल रही है। तो गाइस बारिश के मौसम में ऐसे तो मैं बताऊँगा मैं जा नहीं पाता, क्योंकि मुझे 3 बजे ड्यूटी से आना पड़ता है, 3 से 1 घंटे मुझे फ्रेश होना पड़ता है, फिर थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी आता हूँ, 9 से 3 बजे आता हूँ। तो ऐसे ही था, तो मैं रेस्ट करे जाते जाते अंधेरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है कभी बारिश हो जा रही है, इसी वजह से अंधेरी जल्दी 4 या 5 बजे तक अंधेरी हो जाती है, क्योंकि तब तक सूरज नहीं रहती, अंधेरी हो जाती, बादल छा जाती है आसमान पे। तो ऐसी है, कल अगर अच्छी मौसम रही तो मैं वहाँ जाऊँगा, या इस साइड हम मेरे रूम के पीछे कुछ अच्छा प्लेस है वहाँ पर जाऊँगा। तो गाइस आपको केरला का वीडियो कैसा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका इस टाइम पे आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, अगर किसी दिन टाइम मिलेगा या मैं कुछ दिन का जब मैं थोड़ा दिन काम कर लूँगा, थोड़ा दिन रुक जाऊँगा, तो मुझे यहाँ इस साइड कोची साइड हो गया, कन्नौर साइड हो गया, इस साइड जितना केरला का अच्छा अच्छा प्लेस है उस साइड पर मैं जाकर वीडियो बनाऊँगा, उस साइड में जाकर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए यहीं पे करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलती है, टाइम मतलब ऐसी होती है, सुबह 9 से दिन का 3 बजे ड्यूटी जाता हूँ, फिर 3 से 7 बजे तक रेस्ट रहती है, तब तक मैं बहुत ज़्यादा थक मतलब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, तब अगर आराम करना पड़ता है, तब फिर मैं आपके लिए वीडियो निकाल रहा हूँ, तो ज़रूर से मैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही है, तो मुझे अगर ज़्यादा टाइम मिलेगा या मैं खुद से टाइम निकाल के ड्यूटी ऑफ करके कुछ दिन महीना 15 दिन के बाद मैं उधर जाऊंगा, सेट केरला पूरा केरला एक्सप्लोर करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा केरला कैसा है, केरला का व्यू, केरला की खूबसूरती क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से करना, मिलते हैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर लेना, मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में।